तो इसी एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस। बहुत सारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। एंड ये जो क्लास होने वाली है डेफिनेटली बहुत एंटरटेनिंग क्लास भी होने वाली है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको कॉन्सेप्ट्स इस तरीके से समझाऊं कि आपको हमेशा के लिए वो कॉन्सेप्ट्स याद हो जाए। ग्रामर को बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग भी हम बनाएंगे इस सेशन में। तो ये रहा आज का पहला सवाल एंड दिस इज़ द टाइमर फॉर यू। ध्यान से पढ़िए सेंटेंस को और मुझे बताइए किस पार्ट में एरर है, विच पार्ट इज़ इनकरेक्ट। Everyone. चलिए द टाइम इज़ अप, टाइम ओवर हो चुका है। आज के कॉन्सेप्ट नंबर वन पर आते हैं। और आज का कॉन्सेप्ट नंबर वन क्या कहता है बेटा? आज का कॉन्सेप्ट नंबर वन कहता है कि हमेशा याद रखिए, जब भी आपके सेंटेंस में वन ऑफ द लिखा हुआ हो, ईच ऑफ द लिखा हुआ हो, एवरी ऑफ द तो गलत होता है क्योंकि एवरी एक प्रोनाउन नहीं होता। सिमिलरली ईदर ऑफ द लिखा हुआ, ईदर ऑफ द का मतलब क्या है? इन दोनों में से कोई एक, या फिर नीदर ऑफ द लिखा हुआ, मतलब इन दोनों में से कोई भी नहीं। तो हमेशा और हमेशा याद रखिए, इस केस में जो नाउन आता है वो कैसा आता है? जो नाउन हमेशा हमारा आता है वो हमेशा हमारा प्लूरल नाउन होता है। हम कभी भी सिंगुलर नाउन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वन ऑफ द मीन्स बहुत सारों में से एक, तो ये बहुत सारे होने चाहिए, मतलब ये प्लूरल होना चाहिए। ईच ऑफ द हर एक में से, ये प्लूरल होना चाहिए। ईदर ऑफ द दो में से एक, तो वो दो, दैट इज प्लूरल। नीदर ऑफ द उन दोनों में से कोई भी नहीं, तो इसका मतलब क्या है? प्लूरल। तो इनके आगे आप हमेशा और हमेशा प्लूरल नाउन का ही इस्तेमाल करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट नंबर वन सभी को क्लियर है? चलो अगर क्लियर है तो इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। द लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड क्या होता है कि पहाड़ का थोड़ा सा टुकड़ा टूट के नीचे आ गया, लैंडस्लाइड कर गई, नीचे आ गई पहाड़ पे से। तो ये जो लैंडस्लाइड हुई, जो पिछले हफ्ते हुई, इसको याद किया जाएगा। विल गो डाउन एज, गो डाउन एज का मतलब क्या होता है? गो डाउन एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मीनिंग होता है इसको याद किया जाएगा। तो इसको कैसे याद किया जाएगा? इसको याद किया जाएगा वन ऑफ द सीवियरेस्ट नेचुरल डिजास्टर्स। बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स में से ये क्या है? एक सबसे ज़्यादा सीवियर, सीवियर मीन्स बहुत ही खतरनाक। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? डिजास्टर्स यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि वन ऑफ द के आगे हमेशा प्लूरल नाउन आता है। तो वन ऑफ द सीवियरेस्ट नेचुरल डिजास्टर्स इन द स्टेट। और जो डेथ टॉल है, टॉल शब्द का मतलब क्या होता है? टॉल शब्द का मतलब होता है नंबर। जो डेथ टॉल है वो 37 पहुंच चुका है, 37 लोगों की डेथ हो चुकी है। एंड 28 पीपल जो हैं वो अभी भी फंसे हुए हैं मलबे के नीचे, इवन एज, और साथ के साथ क्या चल रही है? रेस्क्यू एफर्ट्स। रेस्क्यू मीन्स उनको बचाने वाली जो मेहनत है वो भी साथ के साथ चल रही है। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? बी पार्ट इज इनकरेक्ट। समझ में आ रहा है सभी को? एवरी वन येस और नो? एक बार रिक्वेस्ट करूंगी सभी से कि जल्दी से सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दो, जिससे कि मैक्सिमम बच्चों तक ये सेशन पहुंच पाए। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था? साथ में बोलेंगे सभी लोग, बोलते हैं तो अच्छे से याद होता है। वन ऑफ द, ईच ऑफ द, ईदर ऑफ द, नीदर ऑफ द, सबके आगे हमेशा प्लूरल नाउन ही आएगा। चलो अगले सवाल पर आते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। और ये रहा टाइमर सभी की स्क्रीन पे। ध्यान से पढ़ो और मुझे बताओ किस पार्ट में एरर है। चल द टाइम इज अप। किस पार्ट में एरर था इस क्वेश्चन में? मैम कॉन्सेप्ट पता होता है, बस दिखता नहीं है कॉन्सेप्ट। ये बहुत सारे बच्चों की दिक्कत होती है, होती है नहीं होती है? इसमें बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, वो था सीक। सीक जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। सीक का मतलब होता है आप किसी चीज़ की डिज़ायर रखते हो, आप किसी चीज़ को चाहते हो, उसको बोलते हैं सीक। इफ़ यू आर सीकिंग अ बैंकिंग जॉब, मतलब आप क्या कर रहे हो? बैंकिंग जॉब चाह रहे हो। तो इसकी जो सेकेंड फॉर्म होती है
वो होती है सॉट, और जो इसकी थर्ड फॉर्म होती है वो भी क्या होती है, सॉट। सीक्ड जैसा कोई शब्द ही नहीं होता है, देयर इज नो वर्ड लाइक सीक, इसके जैसा कोई भी शब्द नहीं होता है। सो किस पार्ट में एरर हो गया, वाइल द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ने चाहा, तो हैज और हैव के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सॉट आएगा। कि एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या चाहा, एडमिनिस्ट्रेशन ने चाहा कि वो वाटर आउटफ्लो जो हो रहा है उसको ईज कर दे, उसको कम कर दे स्टोर्ड वाटर से। इनक्लीमेंट वेदर, जो ये तूफान आया या ये जो वेदर आया, इसकी वजह से क्या हो गया, एफर्ट्स की जो पेस थी, पेस मीन्स जिस स्पीड पे एफर्ट्स हो रही थी वो क्या हो गई, हैम्पर हो गई। हैम्पर होने का मतलब क्या होता है, कमज़ोर पड़ गई। हैम्पर होने का मतलब क्या होता है, रुक गई। तो चाहा तो यही था कि चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन ये जो इंक्लीमेंट, इंक्लीमेंट मीन्स कोल्ड, ये जो कोल्ड वेदर था इसकी वजह से एफर्ट्स बहुत धीरे धीरे लगे, जो स्पीड थी वो कम हो गई। क्लियर सभी को? सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट, किस पार्ट में एरर हो गया, ए पार्ट में एरर हो गया, सीक्ड की जगह सॉट आएगा। कोई दिक्कत किसी को? चलो अगले पे आते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हैम्पर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी का वर्ड है बेटा। हैम्पर का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को रोकना, किसी चीज़ को कम कर देना, उसके इफेक्ट को। हैम्पर किया मतलब रोक दिया, आपका जो, आपके जो लेजीनेस है, आपका जो आलस्य है, वो आपकी एफर्ट्स को कम कर देता है, हैम्पर कर देता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा टाइमर। चलिए द टाइम इज अप, आज के अगले कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर आते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 है मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स का कॉन्सेप्ट। तीन वर्ड्स होते हैं, एक होता है साइट, एक होता है साइट, और एक होता है साइट। तीनों वर्ड्स अलग अलग होते हैं, इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग समझते हैं। पहला शब्द क्या है, साइट। ये जो शब्द है ये क्या है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का एग्जाम्पल देना। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, ये शब्द एक वर्ब होता है, सी आई टी ई। इसकी सेकेंड या थर्ड फॉर्म क्या होती है, इसकी सेकेंड या थर्ड फॉर्म होती है साइट, साइटेड एंड साइटेड। तीनों फॉर्म सेम होती है, साइट, साइटेड एंड साइटेड। साइट इसका मतलब होता है प्लेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, कोई भी जगह को क्या बोलते हैं, साइट बोलते हैं। और ये क्या है, ये नाउन होता है। ये साइट, ये एक विजन को बोलते हैं, आपकी दृष्टि को बोलते हैं, और ये भी क्या होता है, नाउन होता है। तो ये तीनों वर्ड्स बोलने में एक जैसे लगते हैं, बट तीनों वर्ड्स का मीनिंग बिल्कुल अलग अलग होता है। तो चलो द फैक्ट, जो सच्चाई है कि ऐसा जो डिजास्टर है, ये एक रेलवे कंस्ट्रक्शन, SIGHT नहीं क्या आएगा, SITE। तो ये जो सच्चाई है कि ये जो डिज़ास्टर है ये एक रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट पे हुआ, एक ऐसे एरिया में जहाँ पे लैंडस्लाइड्स बहुत आसानी से आ सकती है, ये डेवलपमेंट प्लानर्स को कुछ पॉज देना चाहिए कि भाई सोचो, सोच समझ के काम करो। आप कंस्ट्रक्शन ऐसी जगह पे कर रहे हो जहाँ पे लैंडस्लाइड आ सकता है, तो ऑब्वियसली बात है आप एनवायरमेंट को चैलेंज कर रहे हो, तो प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। सो विच पार्ट इज़ इनकरेक्ट, बी पार्ट इज़ इनकरेक्ट, SIGHT की जगह SITE आएगा। सम पॉज मीन्स कुछ रुकावट आनी चाहिए, रुको भाई ऐसी जगहों पे कंस्ट्रक्शन मत करो जहाँ पे लैंडस्लाइड आ सकता है। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? मैम इस क्वेश्चन में एरर फाइंड आउट कर लेते हैं पर एग्जाम में क्यों नहीं कर पाते, यहाँ पे एरर इसलिए फाइंड आउट कर लेते हो, मैं बताती हूँ, क्योंकि आप लोग कॉमेंट सेक्शन में देखते रहते हो। कमेंट सेक्शन में कोई आपको हिंट दे देता है तो आपको लगता है हाँ ये एरर तो हमें भी पता है, और आप भी उसी को आंसर मार्क कर देते हो। तो जब भी आंसर करने की कोशिश करो, कमेंट सेक्शन को मत देखो, पूरी ऑनेस्टी के साथ आंसर करने की कोशिश करो, तभी एरर डिटेक्शन इम्प्रूव होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा टाइमर सभी के लिए।
हाँ जी, क्या गड़बड़ है इस क्वेश्चन में? द अनसर्टेन नेचर ऑफ रेन्स. अच्छा, रेन्स गलत नहीं है. बहुत सारे बच्चों का मैं आंसर यहाँ पे देख रही हूँ, वो कह रहे हैं कि मैम रेन्स गलत है. नहीं, रेन्स गलत नहीं है. रेन्स का मतलब होता है अलग अलग जगहों की रेन. यूपी में रेन आई, फिर कहीं और रेन आ गई, या बहुत ज़्यादा आ गई, बहुत कम आ गई. तो रेन्स, टेम्परेचर्स, ये सब सही होते हैं. तो जो अनसर्टेन नेचर है बारिश का, जो मॉनसून है, वो सबसे ज़्यादा इंटेंस है इस साल कंपेयर टू प्रेडिक्शंस. जो हमने प्रिडिक्ट किया था उससे कई ज़्यादा इंटेंस है. कंपैरिजन हो रहा है तो कौन सी डिग्री लगाऊंगी मैं? अगर कंपैरिजन कर रही हूँ तो कौन सी डिग्री लगेगी एडजेक्टिव की? आप ही लोग बताओ. इफ़ आई एम कंपेयरिंग, प्रिडिक्शन से कंपेयर कर रही हूँ, जितना प्रिडिक्ट किया था उसके कंपैरिजन में मॉनसून ज़्यादा आया, तो कौन सी डिग्री लगेगी? वेरी गुड, कंपैरेटिव डिग्री लगेगी. कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है? कंपैरेटिव का मतलब मोस्ट नहीं होता, मोर होता है. तो यहाँ पे क्या आएगा? विद द मोस्ट नहीं आएगा, मोर इंटेंस. जो मॉनसून है वो ज़्यादा हुआ प्रिडिक्शन से अगर कंपेयर करें तो. प्रिडिक्शन कम का किया था कि बारिश कम होगी, बट एक्चुअल में ज़्यादा हो गई. सो मोस्ट की जगह क्या आएगा? मोर आएगा. दैट मीन्स विच पार्ट इज इनकरेक्ट, किस पार्ट में एरर हो गया? बी पार्ट में एरर हो गया, इसकी वजह से क्या हो गया? प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई. सो बी पार्ट इज इनकरेक्ट. समझ में आ रहा है सभी को? येस और नो? एक रिक्वेस्ट करूँगी, 2200 बच्चे देख रहे हैं बट लाइक्स केवल 1000 है, ऐसा क्यों? सबसे पहले सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और जैसे जैसे लाइक और शेयर करें मुझे बताते भी जाएंगे. जो नए बच्चे जुड़ते जा रहे हैं वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे इस चैनल को. वैसे आजकल हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, जितनी लड़कियाँ हैं और लड़के हैं, क्या आप लोगों को भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है? मुझे तो बहुत हो रही है आजकल, आई डोंट नो व्हाई. या तो सीज़न ऐसा चल रहा है या क्या है. आप लोगों को भी हो रहा है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये रहा टाइमर. चलिए, द टाइम इज़ अप. इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, और वो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये कहता है, नाउन के बारे में जो शब्द बताता है वो एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव के बारे में जो शब्द बताता है वो एडवर्ब होता है, और एडवर्ब के बारे में जो शब्द बताता है वो भी एडवर्ब होता है. क्या ये सभी को पता है? नाउन के बारे में बताया एडजेक्टिव ने, एडजेक्टिव के बारे में बताया एडवर्ब ने, और एडवर्ब के बारे में भी बताया एडवर्ब ने. तो मैंने यहाँ पे लिखा बॉय. क्या है? नाउन है. कैसा बॉय है? स्मार्ट है. तो नाउन के बारे में जो शब्द ने बताया वो क्या हुआ? एडजेक्टिव हो गया. कितना स्मार्ट है? वेरी स्मार्ट है. तो इस एडजेक्टिव के बारे में जिसने बताया वो क्या हो गया? एडवर्ब हो गया. तो नाउन के बारे में एडजेक्टिव बताएगा और एडजेक्टिव के बारे में एडवर्ब बताएगा. क्या ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है? एवरीवन? चलो अब इसको देखते हैं. द नीड ऑफ द आर. नीड ऑफ द आर एक फ्रेज होता है. इस फ्रेज का मतलब होता है ज़रूरत ये है. नीड ऑफ द आर क्या है? इतनी सारी वैकेंसीज हैं कि अब नीड ऑफ द आर है कि हम मेहनत करें. बैक टू बैक बैंकिंग में 20-25,000 वैकेंसीज हैं, SSC में 20-25,000 वैकेंसीज हैं. तो वॉट इज द नीड ऑफ द आर? नीड ऑफ द आर इज That we should work very very hard. तो need of the hour का मतलब क्या होता है? ज़रूरत का टाइम है. ज़रूरत इस चीज़ की है कि एक नेशनल प्रोग्राम बनाया जाए जिससे कि इस तरीके के एक्सीडेंट्स कम हो, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में एक्सीडेंट्स कम हो, एक क्लियर स्कोप हो काम का, सफिशियंटली रिसोर्स एलोकेशन. गड़बड़ तो यहाँ पर है, ये नाउन है. नाउन के बारे में जो वर्ड बताएगा वो एडजेक्टिव होगा. तो सफिशियंटली नहीं, क्या आएगा बेटा? सफिशियंट आएगा. सफिशियंट रिसोर्स एलोकेशन, अच्छा खासा रिसोर्स एलोकेट कर सकें. एंड रोबस्ट. रोबस्ट का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग, अच्छे से चेक कर पाएँ और वेरीफाई कर पाएँ चीज़ों को. सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट?
सी पार्ट इज इनकरेक्ट. सफिशियंटली रिसोर्स एलोकेशन नहीं आएगा. क्या आएगा? सफिशियंट रिसोर्स एलोकेशन आएगा. कोई दिक्कत किसी को? एनी प्रॉब्लम टिल हियर? नहीं है तो अगला सवाल. और ये रहा टाइमर. देवानंद जी कह रहे हैं यस मैम मैं तो टकला हो गया हूँ. कोई बात नहीं, पहले सिलेक्शन ले लो फिर अच्छे से केयर कर लेना. थैंक यू ज्योति फॉर शेयरिंग द वीडियो. चलिए द टाइम इज अप, टाइम ओवर हो चुका है. चलो देखते हैं इसको. सिंस द सडन फ्लडिंग दैट हैड बिगन इन द, चलो पहले इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं. कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम सिंस और फॉर की बात करते हैं, ये किसी टाइम के बारे में बात कर रहे होते हैं. जब से मैं बड़ा हुआ हूँ, जब से मैं तुमसे मिला हूँ, जब से मेरे नैना तुम्हारे नैनों से लागे हैं, तो इनसे पहले जो टेंस आता है वो क्या आता है? परफेक्ट आता है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है. मतलब जिस टेंस के बारे में बात कर रहे होते हैं वो परफेक्ट होता है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है. और अगर सिंस के जस्ट बाद कोई टेंस आता है तो वो कौन सा आता है? सिंपल पास्ट आता है. तो एक सॉन्ग था, उसकी इंग्लिश करके ही इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं. सॉन्ग कुछ ऐसे था, जब से मेरे नैना तेरे नैनों से लागे रे तब से दीवाना हुआ मैं, ऐसे कुछ था ना. तो क्या बनेगा सेंटेंस? आई हैव बीन एडोरिंग यू सिंस. मेरे नैना तेरे नैनों से लागे का मतलब क्या? मैंने तुमको देखा, तुमने मुझे देखा. इन शॉर्ट, सिंस आई सॉ यू. तो इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिंस जिस टेंस की बात कर रहा था वो कौन सा था? सिंस जिस टेंस की बात कर रहा था वो सिंपल पास्ट टेंस था. और जो हुआ उसके बाद वो कौन सा टेंस था? वो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस था. तो यहीं पे ये कॉन्सेप्ट आता है कि जब भी हम सिंस को टाइम के लिए यूज़ करते हैं या हम बता रहे होते हैं कि तब से ये काम हुआ है, तो हम सिंस से के साथ हमेशा सिंपल पास्ट टेंस लगाते हैं, हम कोई और टेंस नहीं लगा सकते. क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? एवरीवन, सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो मैम ये सब तो सही है, आह जो आता है उस गाने में उसकी इंग्लिश क्या होगी? नहीं, वो आह जो है वो हिंदी की फीलिंग्स हैं और उसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर सकते. तो सिंस द सडन फ्लडिंग, अचानक से जो बाढ़ शुरू हुई, तो हैड बिगन नहीं आएगा, सिंपल पास्ट टेंस आएगा. तो इसका मतलब क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी. इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? बिगैन आएगा. तो जब से बाढ़ आना शुरू हुआ नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में, जब से मैंने तुमको देखा, जब से बाढ़ आई, तब से क्या हुआ? रेसिडेंट्स जो हैं ढूंढ रहे हैं. रेसिडेंट्स क्या ढूंढ रहे हैं? ड्राई लैंड मिल जाए, फूड मिल जाए और क्लीन वाटर मिल जाए, ये सब चीज़ें रेसिडेंट्स ढूंढ रहे हैं. सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? बी पार्ट इज इनकरेक्ट. सिंस के आगे हमेशा कौन सा टेंस आता है? सिंपल पास्ट टेंस आता है. समझ आ रहा है सभी को? बताइए जी, आ रहा है समझ में? यस. अच्छा एक चीज़ और कहना चाहूँगी सभी स्टूडेंट्स को, क्या है कि बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि मैम एरर में मार्क्स नहीं आ रहे, मैम नहीं हो रहा है, मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं, अच्छा फील ही नहीं हो रहा है, डीमोटिवेटेड हो रहे हैं. तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपके कभी मार्क्स कम आए हैं या कोई भी फेलियर आपको ज़िंदगी में मिला है, तो हमेशा इस बात को याद रखना कि जब भी कोई शेर एक लंबी छलांग मारता है तो पहले एक कदम पीछे लेता है और फिर वो छलांग मारता है. तो अगर आपको भी कुछ मार्क्स कम आ रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में भी कोई फेलियर आ रहा है, कोई डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है, तो परेशान नहीं होने की ज़रूरत है. बस और एनर्जी के साथ आगे कूदना है, मतलब और एनर्जी के साथ एफर्ट्स लगाने हैं, तो वो फेलियर फेलियर नहीं होगा, वो फेलियर भी एक मोटिवेशन बन जाएगा.
तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है अगर गलत हो रहे हैं, बस सीखने पे फोकस करो। सीखोगे ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट्स बार बार रिवाइज होते हुए जाएंगे, मार्क्स अपने आप इम्प्रूव हो जाएंगे। तो यस, बाउंस बैक अगर गलत हो रहा है तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो टाइम इज अप। इस क्वेश्चन को करने से पहले भी इस क्वेश्चन का एक बार कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है इस क्वेश्चन का? ये कहता है कि हमारी कुछ कंट्रीज होती हैं जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA, जैसे कि UK, UAE, यूरोपियन यूनियन, EU, जो कंट्रीज को इस तरीके से आप लिखते हैं जिनकी एब्रीविएटेड फॉर्म एग्जिस्ट करती है, उन कंट्रीज से पहले हमेशा द लगाते हैं। तो आप क्या लिखोगे? द US, द UK, द UAE। एक ग्रुप्स भी होते हैं जो द USSR, EU भी एक ग्रुप है, द EU। तो इन सारी की सारी कंट्रीज से पहले क्या लगेगा? इन सारी की सारी कंट्रीज से पहले द लगेगा, चाहे वो शॉर्ट फॉर्म में लिखी हो चाहे वो फुल फॉर्म में लिखी हो। UK लिखाओ या यूनाइटेड किंगडम लिखाओ, USA लिखाओ या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखाओ, आप हमेशा उनसे पहले क्या लगाएंगे बेटा? आप हमेशा द लगाएंगे। अब कुछ कंट्रीज और होती हैं जो फोकट का द ले जाती हैं अपने साथ, जबकि वो एब्रीविएटेड फॉर्म में नहीं होती हैं तब भी फोकट का द ले जाती हैं अपने साथ। वो कौन सी कंट्रीज हैं भाई? द नीदरलैंड्स, द मालदीव्स, द फिलीपींस। तो ये तीन कंट्रीज और हैं जो अपने साथ फोकट का दा लेके जाती हैं। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हॉट समर, हद से ज़्यादा गर्मी यूरोप में, उसने एक और पीक को क्रॉस कर दिया। कुछ जगह तो ऐसी थी ब्रिटेन में जिनमें 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर चला गया। पहली बार कोई ऐसी जगह UK में जिसने इस मार्क को ब्रीच किया है। ब्रीक का मीनिंग क्या होता है? क्रॉस किया है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कंट्री ने 40 डिग्री सेल्सियस मार्क को क्रॉस किया है यूरोप में और इतनी ज़्यादा गर्मी वहाँ पे हो चुकी है। सो किस पार्ट में एरर है? डी पार्ट में एरर है। कोई दिक्कत किसी को भी नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा एंड दिस इज द टाइमर फॉर यू। जिन लोगों को एरर डिटेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है ना, वो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ेंगे। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ो, बुक भी है उसकी और उसमें 1000 क्वेश्चंस दिए हुए हैं एरर डिटेक्शन के, उनको सॉल्व करो डेली का। 15-20 क्वेश्चंस रोज सॉल्व करो वहाँ से, तो बहुत हेल्प होगी। चलिए द टाइम इज अप, अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट बड़ा ही प्यारा और एक बड़ा ही इतना फेवरेट कॉन्सेप्ट है ना एग्जामिनर का, कि बैंक वाला एग्जामिनर, SSC वाला एग्जामिनर इस कॉन्सेप्ट से बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म्ड है। ओवरवेल्म्ड का मतलब क्या होता है? भरा पड़ा है, हर बार ही कॉन्सेप्ट उठा के एग्जाम में आ जाता है। कॉन्सेप्ट क्या है? नो सूनर के साथ क्या लगाते हैं? THAN, देन। हार्डली, scarcely, barely, rarely, इनका मीनिंग होता है ना के बराबर। इनके साथ क्या लगता है? WHEN, when लगता है। तो no sooner के साथ THAN, then लगता है, इन सब के साथ WHEN, when लगता है। तो hardly had he, मुश्किल से उसने वो शब्द बोले ही थे, मुश्किल से मैंने उसको वो शब्द बोले ही थे कि क्या हुआ? दरवाजा खुला और पापा आ गए। क्या सेंटेंस है? मुश्किल से मैंने उसको वो शब्द बोले ही थे कि दरवाजा खुला और पापा सामने खड़े थे। तो हार्डली लिखा हुआ है,
तो हार्डली के साथ हम क्या लगाएंगे, हार्डली के साथ टी एच ए एन देन नहीं आएगा, डब्ल्यू एच ई एन वेन आएगा. सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट, बी पार्ट इज इनकरेक्ट. कोई दिक्कत किसी को? चलो अगले सवाल पर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एंड दिस इज द टाइम ऑफ फॉर यू. चलिए द टाइम इज अप, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ. इस क्वेश्चन में क्या एरर है? क्वेश्चन में गलती ये है कि बहुत सारे शब्द होते हैं अम्यूज. अम्यूज का मीनिंग होता है एंटरटेन करना, इंजॉय, इंट्रोड्यूस, एब्सेंट. ये जो शब्द होते हैं हमारे, इन शब्दों के आगे ऑब्जेक्ट का आना जरूरी होता है. ऑब्जेक्ट क्या होता है? या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है. तो ये जो शब्द हैं, इन शब्दों के आगे किसी नाउन या प्रोनाउन का आना जरूरी है. अगर इन शब्दों के आगे कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है तो आपका वो सेंटेंस गलत है, सेंटेंस इज रॉन्ग. तो इस क्वेश्चन को देखें, कर्ल्ड अप मतलब मैं बैठा हुआ था सीट के कॉर्नर पर. कर्ल्ड अप का मीनिंग क्या होता है? बिल्कुल ऐसे करके बैठना. आई अम्यूज्ड, कोई भी नाउन प्रोनाउन नहीं है तो ये क्या हो गया? गलत हो गया. तो जब भी नाउन प्रोनाउन नहीं होता है तो हम क्या लगा देते हैं? वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा देते हैं. अब मैडम जी, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माईसेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, इट्सेल्फ. ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा? आई अम्यूज्ड माईसेल्फ, मैंने अपने आप को एंटरटेन किया घंटों तक सिली सिली ड्राइंग्स बना के कार्डबोर्ड पे. तो माई सेल्फ आएगा. दैट मीन्स विच पार्ट इज इनकरेक्ट, किस पार्ट में एरर है? बी पार्ट में एरर है. कोई दिक्कत किसी को भी? दुविधा परेशानी? अभी भी 2500 बच्चे देख रहे हैं बट लाइक्स केवल 1600 हैं. पता नहीं जाता क्या है आपका एक लाइक पे प्रेस करने पे. चलो ये आज का होमवर्क क्वेश्चन है. दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द डे. सभी लोग मुझे आंसर बताएंगे कि इस क्वेश्चन में क्या एरर है, इस सेंटेंस में क्या एरर है. अब मैं कल के विनर्स का नाम बता देती हूँ. आई होप सभी को पता है, जितने भी बच्चे कमेंट करते हैं उनमें से कुछ बच्चों को सिलेक्ट करके बुक्स दी जाती हैं. तो कल के जो हमारे विनर्स हैं उनका नाम मैं अनाउंस कर रही हूँ. वो घड़ी आ चुकी है विनर्स का नाम अनाउंस होने की. और कल जो कि वोकैबुलरी की क्लास थी उसमें विनर्स का नाम है सुमैया फरीदी, सुमैया फरीदी. एंड सेकंड नेम इज़ मोनू पोद्दार, मोनू पोद्दार एंड सुमैया फरीदी. आप मुझे बेटा एक मेल करोगे, मेल में स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजना कि वो कमेंट आप ही ने किया था. टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपको आपका बुक भिजवा देगी. ये आज का होमवर्क क्वेश्चन है. सभी लोग मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताएंगे. तो आज का सेशन एंड कर रहे हैं. एक इम्पॉर्टेंट बात, अनअकैडमी पर 20% का ऑफ जो चल रहा था उसका आज आखिरी दिन है. आज के बाद ये ऑफर नहीं मिलेगा. तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे परफेक्शन 4.0 में आना चाहते हैं, मुझसे कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से बिल्कुल एडवांस लेवल तक, तो वो आज के आज ही अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर जाके सब्सक्रिप्शन ले लेंगे. 12 या 24 महीने में से कोई भी एक सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो. 24 महीने का लोगे सबसे सस्ता पड़ेगा. कोड क्या लगाओगे? निमिषा. पूरे अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पे कहीं भी कोई भी कोड पूछा जाए, कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आज के टाइम पे इंडिया के सारे बेस्ट फैकल्टीज अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं, और आपको कहीं भी कोई भी कोड पूछा जाए आप कोड में लिखना निमिषा, आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और आपकी सारी फ्री क्लासेस ओपन हो जाएंगी. फ्री क्लासेस भी ओपन हो जाएंगी, सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा. आइकॉनिक अगर लेते हो तो आपको बुक्स भी मिलती हैं, और 24 महीने का लोगे तो सबसे सस्ता पड़ेगा. ठीक है, तो क्लासेस में आ जाना सब्सक्रिप्शन लेके 8:30 बजे रोज परफेक्शन 4.0. कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो अभी के अभी इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हो.
कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कोई भी डाउट है और कोई भी क्वेरी है तो ठीक है। एक ये वाली बुक ले लो अगर एरर में प्रॉब्लम आ रही है तो, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, इसमें ग्रामर के सारे रूल्स हैं और 1000 क्वेश्चंस हैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, तो यू कैन गो फॉर दिस बुक 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, जो आपको फ्लिपकार्ट या अमेजोन सब जगह मिल जाएगी ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है जिसपे आपको सारी PDF मिलती है। एक कहाँ गया, बहुत जल्दी मूव कर रहा है ना ये रहा। चलो इंग्लिश विद निमिषा बंसल, इस टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी PDF मिल जाएंगी ठीक है। हाँ बेटा, PDFs फ्री में मिल जाएंगी, बहुत सारी फ्री क्लासेस मिल जाएंगी अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पे। और कोई दिक्कत, दुविधा, परेशानी आई होप नहीं है। चलो तो आज का सेशन यही एंड करते हैं, 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। इंग्लिश इज अ वेरी ईजी लैंग्वेज, आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश एंड आई विल डेफिनेटली गेट माई ड्रीम जॉब। थैंक यू एवरी वन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड टाटा।